मोटा भाई और उनका जियो सिनेमा किसी को जीने नहीं देगा, स्पेशली उनके जो कॉम्पिटिटर हैं और ये जो टीवी है इनको तो बर्बाद करके छोड़ेंगे मोटा भाई। और हॉटस्टार से तो ऐसा लगता है मोटा भाई ने पर्सनल खुन्नस खा रखी है। पहले उनसे डबल रेट में आईपीएल के राइट खरीद लिए, फिर एचबीओ उनके चैनल से गया जो इन्होंने अपने चैनल पे दबा लिया, और उनका जो सबसे मेन आदमी था स्टार इंडिया का मिस्टर उदय शंकर, जिन्होंने स्टार इंडिया को 13 साल में 1400 करोड़ से 20,000 करोड़ के लेवल पे पहुंचाया, उस आदमी को भी उन्होंने अब की बार लिया है जियो सिनेमा में। और मिस्टर उदय शंकर जिन्होंने स्टार को स्टार बनाया, वो स्टार को वो सभी स्ट्रेटजी जो उन्होंने स्टार में लगाई थी वो एज इट इज बल्कि बड़े नेक्स्ट लेवल पे कॉपी करने वाले हैं जियो सिनेमा में, और सामने कॉपी होती हुई दिख रही है। और इनके पास एडिशनल क्या है, 15,000 करोड़ रुपए का फंड है जो अंबानी जी ने कहा कि भी ये लो तुम्हें खर्चे पाने की जरूरत पड़े तो। प्लान बड़ा सिंपल है, टीवी को खत्म करो, OTT को खत्म करो और अपने जियो सिनेमा को बनाओ नंबर 1। लेकिन जियो सिनेमा ये सब करेगा कैसे, आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो स्टार इंडिया में इन्होंने लगाई थी और अब जियो सिनेमा में वापस लगा रहे हैं। जो हो चुका उसकी केस स्टडी तो काफी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन आज इस चैनल पे केस स्टडी होगी इस बात की कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है। क्योंकि चैनल का उद्देश्य सिंपल सा है, बड़े लोगों का गेम आम आदमी को समझा देना ताकि वो समझ जाए कि अच्छा इस गेम से बचना ऐसे है और इस गेम को हमारे फील्ड में खेलना ऐसे है। हर व्यापारी को CEO बनाना एक ही तो गेम है। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। मोटा भाई जो भी करते हैं ना उस काम में कस्टमर को मजा बहुत आता है और कंपटीशन को रोना बहुत आता है। ये जियो में हम सब देख चुके हैं कि जैसे ही उनकी एंट्री हुई हर आदमी खुश था, पहले चीजें फ्री थी, अब इंटरनेट भी ज्यादा मिलने लग गया, अब सस्ता भी मिलने लग गया। लेकिन उनकी कंपटीशन एयरटेल को देखो, वोडाफोन आइडिया कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। अब सेम काम होने वाला है जियो सिनेमा में। किसी भी खेल को खेलने से पहले एक दमदार खिलाड़ी चुनना होता है और जियो सिनेमा के इस खेल के लिए मोटा भाई ने चुना है मिस्टर उदय शंकर को। थोड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं। अभी कुछ समय पहले वाईकॉम 18 जो कि मोटा भाई की कंपनी है, ऑलरेडी मीडिया कंपनी चलाते हैं, बहुत सारा काम ऑलरेडी करते हैं, इनकी जो सीनियर लीडरशिप है इनको मैसेज आया कि भैया ये जो मेकर चैम्बर 6 नरीमन पॉइंट मुंबई में एक बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट टावर है लेजेंडरी, वहां पे एक अर्जेंट मीटिंग है भैया, सारे के सारे पहुंचो। पूरी सीनियर लीडरशिप वहां पहुंची तो वहां पे उनको मिले भाई साहब एक आदमी, उनका नाम था आकाश अंबानी, जियो के चेयरमैन। उन्होंने सारी टीम को बैठा के बोला देखो जी ऐसा है, हम जिस भी फील्ड में ऑपरेट करते हैं हमारा एकमात्र उद्देश्य है नंबर 1 बनना, और अब मुझे मिली है जियो की जिम्मेदारी, तो मैं चाहता हूँ जैसे जियो की सिम ने इंटरनेट को हर आखिरी भारतीय तक पहुंचा दिया, वैसे जियो सिनेमा इंटरटेनमेंट को हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा दे, और ये पहुंचाने की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं उदय अंकल को। और उदय अंकल कौन थे, उसी मीटिंग में बैठे थे और पता चला कि भैया अब वाईकॉम 18 के बोर्ड पे उदय शंकर जी आ गए। अब उदय शंकर जी है कौन, थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। अच्छा सबसे पहले आप समझो वाईकॉम 18 क्या है। वाईकॉम 18 एक कंपनी है जो मोटा भाई की है, ऑलरेडी 46 चैनल चलाती है, कलर्स इनका है, MTV इनका है, VH1 इनका है, कॉमेडी सेंट्रल इनका है, और जो वूट ऐप आता है वो भी इनका है। ये तो ऑलरेडी कर रहे थे, अब जियो सिनेमा के साथ तो दमदार एंट्री और करने वाले हैं, गेम में तो पहले से ही थे। अब बात करते हैं उदय शंकर जी को। उदय शंकर जी मीडिया के वेटरन है, इनका जो पूरा करियर है वो मीडिया 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 में ही गया है। इन्होंने सन 2007 में स्टार इंडिया की बागडोर संभाली थी, तब उसका ग्रुप का जो टोटल गेम था मात्र 1400 करोड़ का था, और जब 2020 में इन्होंने कंपनी छोड़ी तब तक वो हो चुके थे 20,000 करोड़ के। अब इतनी सक्सेसफुल कंपनी जब स्टार है और ऑलरेडी नंबर 1 है तो उसको छोड़ के नए प्लेयर के साथ क्यों आना। तो उसमें बात ऐसी हुई कि 2007 में जब कंपनी ज्वाइन की थी तो स्टार आता था 21st Century फिल्म्स के अंडर, जो की थी रूपर्ट मडॉक की, और उनसे इनकी बहुत शानदार बनती थी, उन्होंने इनको खुला हाथ छूट दे रखी थी कि जो करना हो करो, तुम्हारे हिसाब से करो, तुमको सब अलाउड है, तो अपनी मस्ती में जी रहे थे। लेकिन 2018 में कुछ फाइनेंशियल स्थिति खराब हुई रूपर्ट मडॉक की, उन्होंने 21st Century कंपनी जो स्टार की भी पेरेंट कंपनी है वो उन्होंने बेच दी डिज्नी को। अब डिज्नी ऐसी कंपनी है जो हेडक्वार्टर से चलती है, वो कहती है हमारे एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा पावर नहीं देते, जो कुछ करना है जो डिसीजन लेना है हमसे पूछो, अमेरिका हेड ऑफिस आओ बात करो। तो उदय शंकर ने कहा अपने को ये नहीं जचता पूछना, अपन को चाहिए खुला खाता। तो 2018 में जब डिज्नी ने खरीदा, 1-2 साल एडजस्ट किया, तो 2020 में इन्होंने कंपनी छोड़ के जो पहली कंपनी के ओनर थे रूपर्ट मडॉक, उनके ही बेटे जेम्स मडॉक के साथ पार्टनरशिप में कंपनी डाल दी बौद्धि ट्री वेंचर। तो राहुल जी इन्होंने तो खुद की कंपनी डाल ली, तो फिर ये जियो में कैसे आ गए। सुनो जरा, ये एक्चुअली उदय शंकर जी ऑलरेडी MDA के खास हैं। MDA कौन, मुकेश धीरूभाई अंबानी, इनके क्लोज एसोसिएट इनको MDA कहते हैं। मुकेश भाई ने कहा भाई बोधी ट्री वेंचर अलग से कंपनी डाल ली, ओनर बन गया, मजा आ गया, करेगा क्या, वो सब मीडिया के क्षेत्र में कुछ करूंगा, क्रांति वांति लाऊंगा। हाँ तो क्रांति वांति लाला तो क्रांति हमारे पास ही लेके आ जा।
तो उसने कहा नहीं भाई साहब बात ऐसी है कि अब तो एंटरप्रेन्योर बन गए, अब एम्प्लॉय थोड़ी किसी के। तो बोले तो एंटरप्रेन्योर बने बने ही आ जा, ये जो बोधी ट्री वेंचर है अपने क्या काम करते हैं जियो सिनेमा में इन्वेस्ट कर लेते हैं मिलके। तो जियो रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किए 10,840 करोड़ रुपए, और इनके जो इनके पास जो इन्वेस्टमेंट था वो था 4,300 करोड़ का, इन्होंने डाला एक कंपनी में, उसका 13% शेयर मिले उदय शंकर की कंपनी को। उनका भैया ऐसा है अभी जो वायकॉम 18 है ना इसमें 13% स्टेक तुम्हारा भी है, अब तुम इसके भी मालिक हो गए, एंटरप्रेन्योर थे एंटरप्रेन्योर बन गए, अब संभाल लो। तो वायकॉम 18 में इनके शेयर्स भी आ गए, तो अब स्किन इन द गेम है कि भैया अब तो मैं भी मालिक हूँ, और एक एक्सपीरियंस तो था ही, और पैसे कितने हो गए दोनों मिला के 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। और अब गेम क्या है, बस एक, टीवी को बर्बाद करेंगे, बाकी ओटीटी को बर्बाद करेंगे और नंबर वन बनेंगे। तो राहुल जी उदय शंकर कौन है समझ में आ गया, ये क्यों आया ये भी समझ में आ गया, लेकिन अब ये करेगा क्या ये तो बताओ, ये क्या करेगा। इससे पहले मैं बताता हूँ भैया आपको क्या करना चाहिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। मोटा भाई की तो बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई, और जियो सिनेमा की भी बढ़ जाएगी, अपनी तो बढ़ा लो। आंसर आता है कैसे, अरे तो बच्चा बच्चा जानता है कि आईटी जॉब में ज्यादा पैसा है नॉन आईटी जॉब के मुकाबले। ये जो बड़े पैकेज सुनते हो 25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ ये सब आईटी में मिलते हैं, लेकिन सर हम तो आईटी के है ही नहीं, हम तो नॉन आईटी के बंदे, हम क्या करें। अरे तुम ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो, आपका परिचय कराते हैं कि ऐसी कंपनी से जिसका नाम है कोडिंग इन्वेडर। इसका काम बड़ा सिंपल सा है, जो बंदा नॉन आईटी का है जिसको आईटी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस डेटा एनालिसिस कोर्स कराते हैं, 6.5 महीने का कोर्स होता है, और 6.5 महीने के अंदर नॉन आईटी का बंदा इतना काम करने लायक हो जाता है उसकी डेटा एनालिस्ट की जॉब लग जाती है। अब आप पूछेंगे राहुल जी जॉब कौन लगवाएगा, जॉब लगवाने में ये लोग ही मदद कर देते हैं। जब आपका कोर्स चालू होगा उसी दिन आपको एनरोलमेंट के टाइम आसपास ही बता देंगे कि भैया आपका इस तरह का जॉब लग सकती है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको लगे तो आप इसमें परस्यू कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ा दी रट्टा मार दिया काम हो गया, नहीं, आपको रियल वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम्स जो है उससे रिलेटेड कोर्स कराएंगे, प्रैक्टिकल चीज बताएंगे, ताकि आपको एक रियल लाइफ का प्रोजेक्ट भी संभाल सको। इसमें आपको स्क्रैच लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक का नॉलेज दिया जाएगा, और बिजनेस की केस स्टडी बिजनेस के एक्सपर्ट्स द्वारा ही कराई जाएगी, और ये एक्सपर्ट जी टीवी अमेजन फिलिप्स ऐसी बड़ी कंपनीज से आते हैं, और इसमें आपको इनके द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो वीकेंड पे सीख लिया और वीक में कर ली प्रैक्टिस। इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस कराई जाती है कि भैया सीवी कैसे बनेगा, अपलोड कैसे करना है लिंक्डइन पे, इंटरव्यू कैसे देना है, ताकि आपकी जॉब पाने की कैपेबिलिटी बढ़े। इस कोर्स को अभी तक 20,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काफी जगह एप्लीकेबल होता है। और naukri.com इसके पेज को देखोगे तो आपको लगेगा डेटा एनालिस्ट की कितनी डिमांड है। तो अगर ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती है और आपको लगता है कि सर इसमें इंटरेस्ट है, तो नीचे एक लिंक दिया है वहां पे जाइए और मेरा कोड डालोगे RM27 तो आपको 27% डिस्काउंट में मिल जाएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे कि भैया उदय शंकर करेगा क्या। तो भैया उदय शंकर जी की जैसी एंट्री हुई है जियो सिनेमा में, इन्होंने कहा देखो सबसे पहले अपन को चाहिए बहुत सारी ऑडियंस, और बहुत सारी ऑडियंस मिलती है आईपीएल में। और जब ये स्टार इन्होंने ज्वाइन किया था तब स्टार में भी इन्होंने यही सजेशन दिया था कि भैया एक काम करो आईपीएल के राइट्स खरीद लो। तो जैसे ही इन्होंने खरीदा था उसी समय हॉटस्टार नंबर वन हुआ था सिर्फ इसी कारण से। तो यहां आते ही इन्होंने कहा भैया ये स्ट्रेटजी करनी है, तो चाहे डबल दाम देने पड़े लेकिन उन्होंने डिजिटल राइट खरीद के ही माने। इन्होंने जब वहां पर आईपीएल खरीदा था तो शुरुआत में पैसे नहीं रखे थे, पहला आईपीएल फ्री दिखाया था, 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो भी फ्री दिखाया था जनता लाने के चक्कर में। यहाँ पे आके इन्होंने क्या कहा, यहाँ भी आईपीएल फ्री दिखाएंगे, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो भी फ्री दिखाया। स्टार में इन्होंने क्या किया था, एक्सक्लूसिव डील साइन की थी। एक्सक्लूसिव डील का मतलब होता है तुम हमारे साथ ही काम करोगे कहीं और नहीं जाओगे। तो इन्होंने सलमान खान और अजय देवगन जैसे स्टार्स के साथ एक्सक्लूसिव डील साइन की कुछ 2-3 साल की कि भैया इस समय तक सिर्फ हमारी पिक्चर करोगे और हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे और कहीं नहीं। तो इसका मतलब सलमान खान और अजय देवगन का जो भी फैन है उसके पास हॉटस्टार के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ जाएगा भैया, यही मिलती है इनकी पिक्चरें क्योंकि डील एक्सक्लूसिव है। तो आप सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं जियो सिनेमा, तो ये लेकिन यहाँ पे एक कदम और आगे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं एक्ट्रेस के साथ तो डील करूंगा ही करूंगा, मैं तो प्रोड्यूसर्स के साथ भी करूंगा, और मैं तो भैया डायरेक्टर के साथ भी करूंगा, और मैं तो राइटर के साथ भी करूंगा। मतलब जो टॉप के राइटर हैं, टॉप के डायरेक्टर, टॉप के प्रोड्यूसर सबसे डील कर लेगा। इसके दो फायदे हैं, पहला तुमको सब टॉप का माल मिल गया, दूसरा ये टॉप का माल कंपटीशन के एक्सेस से दूर हो गया। मान लो शाहरुख खान को जियो सिनेमा ने साइन कर लिया, इसका मतलब 3 साल तक तुम शाहरुख खान सिर्फ जियो सिनेमा पे देखोगे, उसके अलावा है ही नहीं, कहां जाएगी पब्लिक। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसी डील करेंगे, ऐसी डील कर चुके हैं वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी और HBO के साथ डील हो चुकी है कि अगले 3 साल तक तुम्हारा कंटेंट सिर्फ जियो सिनेमा और कहीं नहीं। उसके अलावा अब एक चीज बची रही किड का कंटेंट की, इस पे किड बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बोले उसको भी लेके आएंगे। तो बच्चों का बहुत बड़े कंटेंट पे काम कर रहे हैं, एनीमे वगैरह बहुत सारी चीजों की चर्चा चल रही है, तो आप जियो सिनेमा पे किड का बहुत बड़ा कंटेंट आएगा।
उसके अलावा हिंदी की मूवीज, जितनी भी ओरिजिनल मूवीज है और रीजनल सिनेमा, बंगाली, मराठी, ये सब भी फ्री कर रखा है अभी इस समय जियो पे। गेम सिंपल सा है कि भैया फुटफॉल बढ़ानी है। जैसे जियो में फ्री करके क्या बोला, जितने ज्यादा लोग आ सकते हैं जियो पे ले आओ, जितने ज्यादा आ सकते ले आओ, फिर बाद में देखेंगे। या कम से कम मेरे पास आने का मतलब है वहां से तो टूटा। तो गेम क्या है कि कंपटीशन से वहां लोगों को खींच लाओ, तो वो कमजोर होते जाएंगे, हम ताकतवर होते जाएंगे, कमाने की बाद में सोचेंगे। तो जब उदय शंकर से पूछा भी आपका कंपटीशन है किससे, हॉटस्टार से, नेटफ्लिक्स से, अमेज़न से है किससे, बोला ओटीटी वालों से तो है ही नहीं, इनसे तो कभी भी आगे निकल जाएंगे। मेरा मेन कंपटीशन है टीवी से, कि जो जनता आज टीवी देख रही है ये कल टीवी देखना बंद करेगी, तो ये टीवी देखना बंद करे और सीधे हमारे पास आए। क्योंकि क्रिकेट हमने दे दिया, बॉलीवुड हमने दे दिया, पुरानी फिल्में हमने दी, नई हमने दे दी, रीजनल सिनेमा हमने दे दिया, स्पोर्ट्स हमने दे दिया, अब बच्चा क्या, आदमी क्यों देखेगा टीवी। और जो लेटेस्ट जनरेशन है, एक पूरी की पूरी जनरेशन बिना टीवी देखे बड़ी हुई है, पूरी जनरेशन की आदत मोबाइल पे सब कुछ देखने की है। और टीवी में 2011 के बाद कोई नया इनोवेशन आया नहीं। 2011 में HD कर दिया था, एक नई चीज थी, उसके अलावा टीवी में कुछ नया ही नहीं हो रहा, सब पुराना ही पुराना है, सारे चेंज तो यही आ रहे हैं। तो कुल मिला के गेम है और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। इस समय जियो सिनेमा OTT की दुनिया में नंबर वन है। पिछले महीने का जो मंथली एक्टिव यूजर थे वो थे 151 मिलियन यानी 15 करोड़ लोग। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है MX प्लेयर, 112 मिलियन यानी 11 करोड़ लोग। और वो तब है जब वो इतने सालों से एग्जिस्ट कर रहा है और हमेशा फ्री ही कंटेंट देता है, तब जाके भी वो जियो के सेकंड नंबर पे ही, और इनमें 4 करोड़ का फासला है। हॉटस्टार जो एक जमाने में नंबर वन हुआ करता था, ये IPL और HBO के बाद से गिर के 88 मिलियन यानी 8 करोड़ 80 लाख पे रह गया है। और ये अंतिम सांसें गिन रहा है, मेरे हिसाब से फिगर 6 महीने के अंदर 6 करोड़ से भी नीचे गिर जाएगा। जियो से सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म आगे है जिस पे आप और शायद वीडियो देख रहे हैं, YouTube, जिसके 470 मिलियन 47 करोड़ यूजर है, वो 3 गुना है जियो सिनेमा से। लेकिन अभी वो लड़ाई मोटा भाई शायद बाद में लड़ेंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता चीजें करना, ये तो प्लानिंग है, देखिए कैसे पूरी होती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने है कि यार सब कुछ फ्री दे जा रहे हैं तो पैसे कमाओगे कैसे। तो जयशंकर जी कहते पहले आने दो कंजम्पशन, पहले आने दो लोगों को, पहले आने दो भीड़ को, पैसे की कमाई तो बाद में भी देख ली जाएगी। अभी जैसे बीच में इन्होंने HBO के कंटेंट के लिए 999 रुपए की फीस लगा दी, हो सकता है आगे इस तरह की फीस और लगा दे। और अगर भैया इन्होंने फीस नहीं भी लगाई और आया भी नहीं ना इनके पास, तो करंटली तो मोटा भाई पैसे कमा रहे ऐड से, क्योंकि भारत की जनता कहती है हमसे पैसे मतलब ऐड से कितने दिखा लो, क्योंकि पैसा नहीं टाइम होता है। तो अभी ऐड सेल्स पे जोर है, पर आगे जाके रेवेन्यू के और चीजें भी ऑप्शन लेके आ रहे हैं। और इनको रेवेन्यू नहीं भी मिला ना भाई साहब, घर की बात बताऊं आपको, इनके पास रिलायंस रिटेल इतना बड़ा इकोसिस्टम है, ये खुद की सभी कंपनियों, सपोज 20 करोड़ लोग, आज 15 करोड़ है, आगे जाके 20 करोड़ लोग हो गए। ये 20 करोड़ लोगों को अगर अपने रिलायंस की ऐड दिखा दे या अपनी जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है उन्हीं के ऐड दिखा दे, तो इसकी मार्केटिंग की मार्केटिंग फ्री और कई गुना रेवेन्यू और निकल जाएगा। तो मोटा भाई के तो भैया 10 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है। तो ये तो थी कैसे OTT और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदलने वाले हैं मोटा भाई। इसके बाद इनका अगला टारगेट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और मुकेश अंबानी, अडानी या किसी भी इंडियन बिजनेसमैन की स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं कि छोटा आदमी कैसे समझे और कैसे अप्लाई करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन वो तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो को 5 मिलियन का प्यार मिलेगा। वो ये है कि मुकेश अंबानी सोचते कैसे हैं, उनका काम करने का स्टाइल क्या है, वो स्टाइल मैं आपको बताऊंगा। हर कंपनी, हर इंडस्ट्री में सेम स्टाइल रहता है, उस पे एक बनेगी डिटेल वीडियो। लेकिन इस वीडियो को बचाओ पहले 5 मिलियन, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। और जाते जाते कोडिंग इन्वेटर के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करना मत भूलना।